नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयपुर इलाके में और जयपुर इलाके में खेती किस प्रकार से की जाती है मैं इसको पूरे वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ की जो ज़मीन है वो ज़्यादातर इसकी मिट्टी जो है दोमट मिट्टी है और जो बिल्कुल मिट्टी में रेत मिक्स है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो मेरे पीछे ये नाड़ा खुदाई कर रखा है जो बारिश का पानी इसके अंदर स्टोर हो जाता है, उसी से ये सिंचाई करते हैं और उससे ही पिलाई करते हैं। इसके अलावा जो अभी बारिश का समय है तो इन्होंने बुआई यहाँ पर खेत में कर रखी है। मैं सामने वाले कैमरे से आपको ये इस प्रकार की यहाँ पर मिट्टी है जो इसके अंदर रेत मिक्स है। इस प्रकार से ये रेतीली मिट्टी है और यहाँ पर इन्होंने मूंग की जो फसल लगाई है वो मूंग की फसल ये इतनी बड़ी हो चुकी है। और इस प्रकार से ये पूरा जो प्लाट है मूंग का है और यहाँ पर जो ये नाड़ा खुदाई कर रखा है, बाकी जो ज़मीन के नीचे इसलिए स्तर पर जो अगर पानी कुआ अगर खुदाई करते तो उसमें खारा पानी आता है, उससे खेत में सिंचाई नहीं होती है और नमक की मात्रा ज़्यादा रहती है पानी के अंदर। खारा पानी होने की वजह से पीने लायक भी पानी नहीं है और जो बारिश का पानी इकट्ठा होता है उससे ही ये सिंचाई कर पाते हैं, लेकिन जो सर्दी का मौसम होता है उसमें सिंचाई नहीं होती है। और इस प्रकार से अभी इन्होंने मूंग की जो फसल हैं लगाई हैं और ये ऐसी इस प्रकार से चल रही हैं। देखते हैं, ज़्यादा बारिश हो जाती है तो खेतों में पानी भर जाता है। और पास के खेत में चलेंगे तो यहाँ पर इन्होंने ज्वार लगाई है, तो ये ज्वार जो है ये ज्वार की फसल है। इस प्रकार से ये